रामपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मिलक कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक हिस्ट्री शीटर विनोद कश्यप की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे के आरोपियों का नाम जानकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल हिस्ट्री शीटर विनोद कश्यप पर बहुत से मुकदमे दर्ज थे, लेकिन देर रात लगभग 1 बजे उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर के चाचा और उसके चचेरे भाई हैं। आरोप है कि सभी ने मिलकर पहले लाठी डंडों से उसे जमकर पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला कर उसे मार डाला। इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर मृतक के चाचा, उसके साले और भाइयों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस अधीक्षक राकेश द्विवेदी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। एक हिस्ट्री शीटर था इस गांव का, जिसको कि रात में किसी समय गांव से बाहर एक सुनसान स्थान पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें परिजनों द्वारा उसके सगे चाचा, उनके पुत्रों और चाचा के साले के ऊपर आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। रामपुर के कोतवाली मिलक क्षेत्र के खाता चिंतामन गांव में हिस्ट्री शीटर विनोद कश्यप गांव के बाहर शमशान घाट के करीब 10वां संस्कार के लिए बने कमरे में रहता था। इसी गांव में विनोद के चाचा आंगनलाल और चचेरे भाई काकुल और कपिल भी रहते थे। विनोद का अपने चाचा और चचेरे भाइयों से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर देर रात विनोद के चाचा ने और चचेरे भाइयों ने धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा और मृतक के चचेरे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।